जय हिंद फ्रेंड्स, आपका ई एजुकेशन पत्रिका में स्वागत है। फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर अपन गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा जो स्टार्ट की गई है उसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। योजना का जो नाम है गृह लक्ष्मी योजना है, आरंभ ये कर्नाटक सरकार द्वारा की गई राज्य कर्नाटक। घोषणा इसकी 14 जुलाई 2023 को हुई। योजना का जो शुभारंभ है 17 या 18 अगस्त को हुआ और इसका जो लाभ है 2000 रुपये प्रतिमाह हर महिला को मिलेगा। इसका उद्देश्य राज्य में उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अपने परिवार की मुखिया है। इसका पंजीकरण जो प्रारंभ हुआ वो 19 जुलाई 2023 से हुआ। इसके जो लाभार्थी हैं कर्नाटक राज्य की महिलाएँ ही होगी खाली। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो sevasindhuservices.karnataka.gov.in है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गृह लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य, कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की। इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपये की मासिक सहायता की पेशकश की गई जो अपने घरों की मुखिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता देकर गरीबी को ख़त्म करना है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गृह लक्ष्मी योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपए रखे हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण 19 जुलाई से शुरू हुआ है। इस योजना के जो फायदे हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और प्रति परिवार केवल एक महिला ही आवेदन कर सकती है। और कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए आवेदक कर्नाटक का निवासी होना जरूरी है। कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को परिवार का मुखिया होना चाहिए। जो महिला कर्मचारी सरकारी नौकरी में है वह इस योजना का पात्र नहीं मानी जाएगी। इस योजना को जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कर्नाटक सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sevasindhuservices.karnataka.gov.in पर जाकर आप गृह लक्ष्मी 2023 पर लिंक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा। उसके अंदर नया पेज खुलने के बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, आधार कार्ड नंबर या अन्य जानकारी, मोबाइल नंबर वगैरह, बैंक खाता नंबर, वो आपको डालना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस योजना के जो अंदर डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है वो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो इसकी योजना है उसको, और राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। गृह लक्ष्मी योजना के लाभ की जो विशेषताएं हैं वो कार्यक्रम गृहिणियों के उनके परिवारों में योगदान को स्वीकार करता है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो उन्हें अधिक आत्मविश्वास और आत्म जागरूक महसूस करने में मदद कर सकता है। और कार्यक्रम गृहिणियों को वित्तीय सहायता देगा ताकि वे अपने परिवार की आय में योगदान दे सके और अपने समग्र वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सके। कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा देने की अनुमति देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि करंट अफेयर का महत्व है, लगभग 25 से 30% वेटेज रहता है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे से जुड़े रहिए। हम मंथली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं और जितनी भी वैकेंसीज आती है उनके एडमिट कार्ड वगैरह जारी होते हैं उनकी भी आपको जानकारी देते हैं। धन्यवाद।